पास में है भैया, ताली ना हमारे विद्यालय का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर विद्यालय। भूमि बजाज स्नेहा झा प्रवीण एक बार सभी लोग बच्चे काम करना, भारत का जय घोष करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सम्मानित मंच और आज उपस्थित हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग, सभी गणमान्य अतिथि, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, हमारी मातृशक्ति, सभी हमारे नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश को आजाद हुए 74 साल हो गए हैं और हमें यह भी पता है कि इस आजादी के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। मैं भारत के हजारों लाखों गंभीर सपूतों में अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर हमारे को देश, ये देश आजाद हुआ, हमें आजादी मिली। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये वो नाम है कि जो अक्सर हमारी जुबान पर रहते हैं। बिस्मिल्लाह खाने दे, जुबान पर क्या हमारे दिल में रहते हैं कि नक्सल। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी रहे कि जिन्होंने इस मादरे वतन को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन दुर्भाग्य से उनका नाम इतिहास के किसी पन्ने पर दर्ज नहीं हो पाया। तो आज के दिन उन वीर सपूतों को भी, मां भारत के वीर सपूतों को, क्रांतिकारियों को, उन शहीदों को याद करने का भी है कि जिनके लिए, जिन्होंने हम सबको आजादी दिलाने के लिए प्राणों को नछावर किया और किसी जगह किसी इतिहास में उनका नाम दर्ज नहीं हो पाया। हम पूरे सम्मान के साथ, पूरे कृतज्ञता के साथ उन सभी वीर सपूतों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। मैं खाली अपने तिरंगे को सलाम करने के लिए हर जगह पहुंच रहा हूं, लेकिन मैं किसी सेलिब्रेशन का, किसी उत्साह का, किसी उत्सव का हिस्सा नहीं हूं आज की तारीख में। आज के जश्न आज़ादी में मैं किसी उत्सव नहीं मना रहा हूं, क्योंकि मेरे विधानसभा के अंदर एक छोटी सी मासूम बच्ची के बचपन को कुछ रहा है। मैं बड़े भारी मन से आप लोगों से बात कर रहा हूं। आज हमारे समाज के बीच में कुछ ऐसे लोग भी घूम रहे हैं कि जो लोग छोटे छोटे हमारे लड़कों को, नौजवानों को और पूरे समाज को गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, एक जहर उनके दिलो दिमाग में घुलने का काम कर रहे हैं। अभी आपको कल की परसों की घटना मैं बताता हूँ। वो त्रिलोकप्री का पीड़ित परिवार, मैं देवन से, जब से घटना हुई है 11 तारीख से लगातार इस पीड़ित परिवार के संपर्क में हूँ, अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूँ। दो दो मिनट में आप पुलिस से अपडेट ले रहा हूँ। आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुँच रहे हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी। सभी नेता सभी पार्टियों के पहुँच रहे हैं उनका दुख दर्द बांटने के लिए, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं कि जो अपने आप को सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता बताते हैं, पदाधिकारी बताते हैं, अब उनको सामाजिक संगठन बोले या असामाजिक संगठन बोले, ये आपको हमको मिलकर तय करना है। परसों की बात है, एक भाई साहब वहाँ पर पहुँचते हैं और पीड़ित परिवार से बात करते हैं, पीड़िता के ताऊ से बात करते हैं कि भाई साहब मैं फलाने संगठन से आया हूँ, मैं फलाने संगठन का प्रमुख हूँ, आप मुझे बताइए जिसने बलात्कार किया है क्या वो मुसलमान है? दुम मरना चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं उन घृणित मानसिकता रखने वाले लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या कोई बलात्कारी जब मुसलमान होगा तभी आपकी संवेदनाएं जागेंगी?
कि तभी बच्ची के अधिकारों के लिए उसको न्याय दिलाने के लिए आप खड़े होगे जब बलात्कारी मुसलमान होगा। भाई साहब बोलते हैं कि भाई साहब मैं तो लव जिहाद का एक्सपर्ट हूँ, वो मैं अपने संगठन की तरफ से वो मैं डिपार्टमेंट में देखता हूँ। शर्म आनी चाहिए, भी बोलना चाहिए ऐसे लोगों को। जहाँ भी ऐसे दरिंदगी होती है हमारी बेटियों के साथ में, वो सारी बेटियाँ हमारी हैं, वो देश की बेटियाँ हैं। और जो भी ऐसे भैंसी दरिंदे हैं, ना वो हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, उनको किसी जाति किसी मजहब के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। और उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि जो ऐसे जघन्य अपराधों में पति के साथ भी परवक्ता में भी हिंदू मुसलमान के चश्मा लगाकर इन चीज़ों को देखते हैं। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। इस तरह के लोग भी वहाँ पर पल रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियाँ सीखने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। मेरा कहना है कि सभी सब पार्टी के लोगों को, सभी राजनीतिक दलों को, सभी सरकारों को, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सभी आमजन को मिलकर ये फैसला लेना होगा। क्या कि ये जो कानून हमारे हैं, इस तरह की जो घटनाएं बार बार हो रही हैं, क्या ये कानून पर्याप्त है? आज मैं कहना चाहूँगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा, हमारे कानून पर्याप्त नहीं है। आज इस तरह के वैसी दरिंदे जो हमारे गली मोहल्लों में सड़क चौराया चौराहे पे बेटियों को गलत निगाह से घूरने वाले घूम रहे हैं, उनके दिलों में कोई खौफ कोई डर कानून का नहीं। मेरी सरकार से मांग है कि हमारे कानूनों में परिवर्तन करने की जरूरत है। जब महिलाओं के साथ में यौन छोड़ छोड़ाने के मामला कोई सामने आता है, महिलाओं के साथ होने वाले इस तरह के अपराध होते हैं, बच्चों के साथ में होने वाले इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं, उसके अंदर हमारे को कानून बदलने की जरूरत है। भले ही इस तरह के केसेस में अपराधी को फांसी की सजा मिल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब जेल की चार दीवारी के अंदर फांसी दी जाती है तो दो चार अखबारों में चढ़ जाता है। इस तरह के वैसे दरिंदों के पास टाइम नहीं अखबार पर, न्यूज के नीचे छोटी सी लाइन चल जाती है, कोई पता नहीं चलता। उनको तब पता चलेगा जब हमारे कानून में बदलाव होगा। इस तरह के भैंसी दरिंदों को जो छोटी छोटी बच्चियों के अस्मिता को छीनते हैं, उनके साथ हैवानियत करते हैं, कि जब दिल्ली के किसी चौराहे पे खड़ा करके उनको गोली मारी जाएगी तब सुधार आएगा। जब ऐसे भैंसी दरिंदों को दिल्ली के लाल किले के सामने क्रेन से लटका कर फांसी दी जाएगी तब बदलाव आएगा, तब उनके अंदर डर होगा, तब उनके अंदर खौफ होगा। आज उन भैंसी दरिंदों में खौफ नहीं है। अगर खौफ है तो हमारी बेटियों के अंदर है। हमारी बेटियाँ कैसे सहमे हुए अपने घरों में बैठी, ये छोटी छोटी मासूम बच्ची हैं, किस खौफ के जाए सामने खौफ से होकर अपने घरों में बैठे। आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। शर्म आ रही है मुझे अपने ऊपर कि आज हम किस दौर में हम जी रहे हैं, कि जहाँ हमारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। आज हम लोगों को मिलकर ये फैसला लेना होगा कि हमें अपने बच्चों को सुरक्षा देनी है, अपने बेटों को हमें सही तरह से गाइड करना है, उन्हें अच्छे नैतिक मूल्यों से अवगत कराना है, उन्हें अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छी तालीम देनी है, और उनको हर भाई हर बहन हर माँ का सम्मान करना सिखाना है। ये हमारी नैतिक ड्यूटी है। तो आज जश्न आज़ादी के इस मौके पर हमारे न्यू अशोक नगर इलाके के अंदर शिवम अंकल जी ने जो कार्यक्रम रखा है, इसके लिए समस्त साथियों को, मेरे सामने उपस्थित बुजुर्गों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।